व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 10,000 रुपीज मंथली आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। 10,000 छोड़ो, उससे ज्यादा भी आप अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी 1,800 रुपए की अर्निंग की हुई है। आपको इसमें ज्यादा वर्क नहीं करना होगा। हाँ, अगर से आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, जब आप काम करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। तो आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। रिडायरेक्ट होने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद साइनअप प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। बेसिक जो भी मोबाइल नंबर, फोन और नेम, आधार कार्ड और जो भी डिटेल मांगेगा आपको साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के बाद यहाँ पे ये इसका होम पेज है। अब यहाँ पे आपको इसमें क्या करना होगा, आपको बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डीमैट अकाउंट, ये सब आपको शेयर करना होगा। शेयर करेंगे तो आपकी लिंक से जो भी पर्सन बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड ओपन करेगा तब आपको पैसा मिलेगा। सपोज ये इंडसइंड बैंक का अकाउंट है, इसको आप शेयर करेंगे तो आपको 600 रुपए पर शेयर मिल जाएगा। इसका वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। ये टोटल जीरो बैलेंस अकाउंट है। मिनिमम एज 18 to 45 एज होनी चाहिए तभी आपका अकाउंट खुलेगा। यहाँ मतलब सपोज जिसको आप शेयर कर रहे हैं उसको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा, और आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए और मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए तभी ये अकाउंट खुलेगा। यहाँ पे ट्रेनिंग वीडियो भी थी, आप देख सकते हैं ट्रेनिंग वीडियो को भी। यहाँ पे इसके टर्म्स कंडीशन आप पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। और चलते हैं बैग, आप देख सकते हैं इसी तरह फाई का है और भी बहुत सारा, ये सब बॉज है, अभी बॉज में पड़ा हुआ है, और फाई का है, एक्सिस बैंक का है और इंडसइंड बैंक का है। ये सारा बैंक हो अगर से आप शेयर करते हैं तो आपको इससे अर्निंग हो जाएगी। और इससे ज़्यादा गाइस क्रेडिट कार्ड में पैसा मिलता है। यहाँ पे देखते हैं 2300 रुपये है, 1900 रुपये है, 1000 रुपये है और 1000, 1600, ये सब आप शेयर करेंगे तो आपको इसमें, जब आप सामने वाला बंदा अकाउंट ओपन कर लेगा, सपोज ये क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड को आपने शेयर किया अपने लिंक से, सामने वाला बंदा आपके लिंक से ओपन करता है अकाउंट तो आपको 1400 रुपये इसमें कैशबैक मिल जाएगा। इसमें यहाँ पे ये लाइफ टाइम फ्री वाला नहीं है, इसमें ज्वाइनिंग फीस 199 रुपये लगेगी और एनुअल फीस 199 रुपये। तो मैं कोई लाइफ टाइम फ्री वाला आपको दिखाता हूँ अप्लाई करके। ये वीज़ा वेरिएंट का रहेगा और इसको आप शेयर बटन पे क्लिक करते हैं। शेयर बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहते हैं वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। सपोज मैं व्हाट्सएप पे क्लिक कर दे रहा हूँ और किसी भी पर्सन को आप शेयर करना चाहते हैं उसको क्लिक करके शेयर पे बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक लिंक आ जाएगी, इस लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ब्राउजर में डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पैन नंबर डालना है और मोबाइल नंबर एज पर आधार, फुल नेम, ईमेल आईडी, पिन कोड, ये सारा डिटेल डालने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। अब ये थोड़ा रिफ्रेश होगा। यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक की वेबसाइट पे ये रिडायरेक्ट हो गया। इसमें नेम डालना है एज पर आधार और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डाल के OTP पे, गेट OTP पे क्लिक करना है। OTP डालने के बाद वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगी, वो OTP को वेरीफाई करना है आपको। प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है, तब तक वेट कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है कि मेरी लिंक एक्सपायर हो गई है। यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा दिया था। आप अपना चेक कर लेना, मैं जस्ट एक डेमो दिया हूँ आप किस तरीके से अकाउंट ओपन करा सकते हैं सामने वाले पर्सन का। तो अब यहाँ से बैक चलते हैं। सो गाइस फिर से उसी एप्लीकेशन में आ चुके हैं। और गाइस अगर से आप खुद का भी अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप खुद का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सपोज किसी को भी आप शेयर कर दीजिए और शेयर करने के बाद अपना उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना खुद का अकाउंट ओपन करा सकते हैं, आपको उसका भी कैशबैक मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से बैक कर सकता हूँ। यहाँ पे सबसे बेस्ट अकाउंट यही वाला रहता है गाइस, इंडसइंड बैंक का। यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट है, यहाँ पे 590 रुपये चार्ज देना पड़ेगा डेबिट कार्ड का अगर से आप फिजिकल लेते हैं। अगर से आप फिजिकल नहीं लेना चाहते, इसमें वर्चुअल का भी रहता है ऑप्शन। वर्चुअल से आप गूगल पे, फोन पे में ये सब में ऐड करके मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट करने के बाद अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाता है, KYC हो जाता है, उसके बाद आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने दूसरे अकाउंट में। गाइस यहाँ से बैक चलते हैं। गाइस जो मैंने 1800 रुपए की अर्निंग की हुई है, यहाँ पे देखते हैं टोटल बैलेंस 1800 रुपए दिखा रहा है। इस पर विड्रॉल बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप पे मुझे KYC करना पड़ेगा, आपको भी KYC कर लेना है। KYC करने के बाद ही विड्रॉल होगा। विड्रॉल बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड का मेरा डिटेल आ चुका है। यहाँ पे पैन कार्ड का डिटेल फिल कर देना है, पैन कार्ड का नंबर डाल देना है और डेट ऑफ बर्थ और जो भी नेम है आपका वो यहाँ पे फिलअप करके एंड सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सक्सेसफुल पैन कार्ड की KYC हो गई है। अब यहाँ से बैक चलते हैं। अब विड्रॉल बटन पे क्लिक करते हैं। अब आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, चलते हैं प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी आपका अकाउंट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सपोज मेरा HDFC बैंक का अकाउंट है तो यहाँ से मैं HDFC बैंक का अकाउंट यहाँ से टाइप कर दे रहा हूँ, HDFC लिमिटेड। और यहाँ पे अपना फुल नेम टाइप कर देना है। फुल नेम टाइप करने के बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप करना है और यहाँ पे भी अकाउंट नंबर फिलअप करना है और यहाँ पे नीचे IFC कोड फिलअप करके ऐड बैंक पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे MPIN आपको फिलअप कर देना है जो भी आपने साइन अप करते टाइम क्रिएट किया हुआ होगा। तो MPIN डालने के बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे, ये सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं एडेड सक्सेसफुली हो गया है। अब बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद विड्रॉल बटन पे क्लिक करते हैं। विड्रॉल बटन पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे अभी भी कुछ इशू आ रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस जो भी आपने अकाउंट ऐड किया है वो पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो आई थिंक
मेरा पैन कार्ड से लिंक नहीं है, इसी वजह से कुछ वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में इसका पेमेंट प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा, और वीडियो में बस यहीं तक गाइज। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।